इसके पहले जो फर्स्ट पार्ट था हमारा, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि पदार्थ भौतिक रूप से यानी हम जिसे शुद्ध कहते हैं, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शुद्धता का मतलब क्या होता है। ठीक है, हम लोगों ने उसके बीच का एक माइनर डिफरेंस जो होता है वो हम लोगों ने पढ़ा था। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि विलयन क्या होता है। विलयन में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ समांगी यानी समान रूप से मिले होते हैं तो उनसे प्राप्त होने वाले मिश्रण को समांगी को हम लोग विलयन कहते हैं। विलयन क्या है? तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। फिर से, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है, अब हमें फिर हमने जब लास्ट में जब मेरा लेक्चर ख़त्म हो रहा था उसमें मैंने बताया था कि विलयन में मुख्य रूप से दो घटक पाए जाते हैं या विलयन के मुख्य दो भाग होते हैं। कौन कौन से? मैंने बताया था आपको, मैंने क्वेश्चन पूछा था कि विलायक और विलय। ठीक है, फिर मैंने क्वेश्चन भी पूछा था। ठीक है, तो अब हम लोगों को वही पढ़ना है कि विलयन के जो दो घटक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब आप कोई भी विलयन ले लीजिए, चाहे ठोस विलयन हो, चाहे द्रव विलयन हो, चाहे गैसीय विलयन हो, सभी में ही ये दोनों घटक पाए जाते हैं। ठीक है, तो मैं पहले से क्लियर करता हूँ, तो कन्फ्यूज मत जाना कि द्रव विलयन में ही विलायक होगा या विलय होगा, या ठोस विलयन में विलायक और विलय नहीं होगा। तीनों ही विलयन, ठोस विलयन, द्रव्य और गैस, तीनों ही विलयन में से सभी तीन इन तीनों विलयन में विलायक और विलय पाए जाते ही हैं। ठीक है, तो किसी भी विलयन में मुख्य रूप से दो घटक होते हैं या दो मुख्य भाग होते हैं। ठीक है, एग्जाम में घटक भी बोल दे या भाग बोले, आपको याद रखना है। ऐसा भी बोल सकता है कि किसी भी कि विलयन के मुख्य दो भाग कौन कौन से होते हैं, तो विलायक या विलय, या ऐसा बोलेगा कि किसी विलयन के मुख्य दो घटकों के नाम लिखिए, तो भी क्या लिखना है आपको, विलायक या विलय। अब विलायक क्या होता है, विलय क्या होता है, पढ़ते हैं। ठीक है, विलय क्या होता है कि विलयन का वह घटक, या वह घटक मतलब कौन सा घटक, वह मतलब कौन सा, तो जिसकी मात्रा विलयन में सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होती है या सबसे अधिक होती है, जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे हम विलायक कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मान लो मेरे पास एक गिलास पानी है, उसमें मैंने आधा चम्मच शक्कर डाल दिया, तो आप खुद बताइए कि उस, तो सीधी सी बात है, पानी की मात्रा ज़्यादा है, शक्कर की मात्रा कम है, तो जो ज़्यादा होता है वो क्या करेगा भाई, जो बड़ा है वही तो छोटे लोगों को अपना उधार दे सकता है। मान लो मेरे पास 100 रुपये हैं तो मैं क्या करूँगा, मैं जिसके पास पैसे नहीं है मैं उसको क्या कर सकता हूँ, पैसे दे सकता हूँ 10 रुपये। उसी तरह से विलायक क्या होता है, विलायक किसी भी विलयन की वह मात्रा होती है जो उस विलयन में सबसे ज़्यादा होती है और जो आप उससे कम मात्रा वाले को आपस अपने अंदर मिला लेता है। जैसे कि शक्कर और पानी, पानी क्या होता है, ज़्यादा होता है और वो शक्कर को अपने अंदर मिला सकता है, ये उसकी क्षमता होती है। तो विलायक यही कहता है कि विलायक क्या होता है, तो विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा विलयन में सबसे ज़्यादा होती है या सबसे अधिक होती है, जो दूसरे घटक को विलयन में क्या कर सकता है, मिलाता है या मिला सकता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, विलायक कहते हैं। फिर से, विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा विलयन में सबसे ज़्यादा होती है, जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, वो क्या होगा, उसे हम क्या कहेंगे, विलायक कहते हैं। जैसे शक्कर और पानी का, मैं आके बताऊंगा आपको उदाहरण भी। ठीक है, नेक्स्ट है विलायक, यानी हमने पढ़ा ऐसा वह घटक होता है जो विलयन में सबसे ज़्यादा होता है, इसका उल्टा होता है विलय। विलय क्या होता है, तो विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा विलयन में कम होती है, किसके मुकाबले, तो विलायक के मुकाबले। किसी भी विलयन में विलायक हमेशा सबसे ज़्यादा ही होगा और विलय जो होगा वो विलायक से कम होता है। फिर से, किसी भी विलयन में विलायक ज़्यादा होता है और जो विलय होता है आपका वो विलायक से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो विलय की परिभाषा क्या बोलती है कि विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा विलयन में कम होती है, और कोई पूछे कि विलय की मात्रा विलयन में किससे कम होती है, तो आपके विलायक से कम होती है। तो विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा विलयन में कम होती है, जो दूसरे घटक में मिल जाता है। अब देखिए विलायक में क्या पड़ा था कि विलायक क्या करता है, दूसरे लोगों को विलयन में मिलाता है, जबकि विलय क्या होता है, खुद छोटा है तो सीधी सी बात है वो बड़े में जाके मिल ही जाएगा। तो वही बोल रहा है कि विलय क्या होता है, तो विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा विलयन में कम होती है और जो दूसरे घटक में मिल जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, विलय कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके उदाहरण क्या है, क्या क्या है, तो पहला उदाहरण है नींबू पानी। इस विलयन में क्या होगा, पानी का मान, पानी क्या है, एक विलायक, क्योंकि पानी की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है, और हमने पहले बोला विलयन में विलायक क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो सीधी से पता है शक्कर और नींबू, शक्कर और पानी के विलयन में क्या होगा, पानी ज़्यादा होगा, तो जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी वो क्या कहलाएगा, आपका विलायक कहलाएगा। ठीक है, और नींबू में, इस नींबू पानी के विलयन में नींबू क्या होगा, नींबू सीधी सी बात है क्या होगा, एक विलय होगा, नींबू एक क्या होगा, तो विलय होगा, जबकि पानी क्या होगा, एक विलय। हम किसकी बात कर रहे हैं, तो नींबू और पानी के विलयन की।
ठीक है। और विलेन की परिभाषा भी ये बोलती है कि इसमें दो या दो से अधिक चीज़ें जब आपस में समान एक दूसरे में समांगी रूप से मिली होती होती हैं, यानी समान रूप से मिली होती हैं, तो ऐसे मिश्रण को क्या कहते हैं हम लोग, विलेन कहते हैं। फिर से विलेन की परिभाषा आपको कन्फ्यूज ना, अगर इसलिए फिर से बता दे रहा हूँ। दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में समांगी रूप से, दो या दो से अधिक पदार्थों का जब समान रूप से मिल जाते हैं, तो इस प्रकार से बने मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और क्या होगा उदाहरण, ये तो हुआ कि द्रव्य विलयन का उदाहरण नींबू पानी। मैं बोलूँ कि ठोस विलयन का उदाहरण क्या क्या होगा, तो आपका एक होगा, मान लो मैंने पीतल बोला, पीतल क्या है, मिश्र धातु है, किस किस की, तो तांबा और जस्ता की। ठीक है, तांबा यानी कॉपर, जस्ता यानी जेडन जिसे हम लोग पढ़ते हैं। पीतल में जो कि मिश्र धातु है उसमें तांबा 70% होता है और जस्ता 30%, तो सीधी सी बात है, अब इन दोनों में से ज़्यादा कौन होगा, तांबा ज़्यादा होगा, तो जो ज़्यादा होगा वो क्या कहलाएगा, विलायक, और जो कम मात्रा होगा वो क्या कहलाएगा, विलय। आगे चलते हैं। उसी तरह से गैस विलयन का उदाहरण क्या होगा, तो हमारा वायुमंडल, वायुमंडल में बहुत सारी गैस हैं, लेकिन हमें पता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है, तो 70, वायुमंडल कितना होता है, वायुमंडल में नाइट्रोजन होता है 78%, और बाकी अगर गैसों को मिला देंगे तो वो कितनी आती है, 22%। इस 22% में 21% तो अकेले सिर्फ हमारी क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। तो अब इन दोनों में हम लोग खुद तुलना करके देख सकते हैं कि अकेले नाइट्रोजन खुद ही 78%, तो सीधी सी बात है जो सबसे ज़्यादा होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा विलायक, और जो कम है वो क्या कहलाएंगी, हमारी विलय। और कौन कौन से उदाहरण होंगे हमारे विलायक और विलय के, तो आयोडीन और अल्कोहल, अल्कोहल यानी जिसे हम लोग शराब कहते हैं, अगर आयोडीन और अल्कोहल को मिला देते हैं तो इससे एक नया, तो अगर इन दोनों को मिला, देखो आयोडीन एक अलग पदार्थ है, अल्कोहल और अल्कोहल आपका एक अलग पदार्थ है, लेकिन जब दोनों को समान रूप से मिलाएंगे तो इससे हमें एक पदार्थ प्राप्त होता है जिसे हम लोग बोलते हैं, टिंचर आयोडीन। ठीक है, कोई पूछे कि टिंचर आयोडीन किन दो पदार्थों का मिश्रण से प्राप्त होता है, तो एक होगा आपका आयोडीन और एक होगा आपका अल्कोहल। ठीक है, आयोडीन और अल्कोहल को मिलाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, टिंचर आयोडीन, जिसमें अल्कोहल, सीधी सी बात है अल्कोहल ज़्यादा होगा, अल्कोहल ज़्यादा है यानी अल्कोहल क्या होगा, मेरा विलायक, आयोडीन कम होगा तो आयोडीन क्या होगा, मेरा विलय, आयोडीन विलय होगा, अल्कोहल मेरा विलायक होगा। अब आयोडीन के बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार गवर्नमेंट एग्जाम की जो होती हैं उसमें पूछते हैं कि उस एकमात्र अधातु के बारे में बताइए जो चमकती है, तो आयोडीन ही वह एकमात्र अधातु है जो क्या होती है, चमकती है। इसी तरह से अल्कोहल के बारे में जान लीजिए, अल्कोहल को हम लोग इथेनॉल भी कहते हैं, ठीक है, रासायनिक भाषा में अल्कोहल को इथेनॉल कहते हैं, और इसका सूत्र होता है CH3CH2OH। फिर से अल्कोहल का होता है इथेनॉल कह सकते हैं, दूसरा नाम होता है रासायनिक नाम, और इसे हम लोग CH3CH2OH इसका रासायनिक सूत्र होता है। और देखो इसके अलावा और कौन से उदाहरण होंगे, तो एक होगा सोडा जल, जो हमारे जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मिलती हैं वो हैं, कोक जो हमारा प्राप्त होता है जो दुकान वाले रखते हैं, स्पेशली जो कोल्ड ड्रिंक्स की दुकानें होती हैं वहाँ ये लोग रखते हैं सोडा जल और कोक। एक क्वेश्चन जिसमें से आता है कि जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, तो आपको याद रखना है CO2, जिसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स उठा लीजिए उसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड तो मिली ही होगी। ठीक है, तो कौन कौन, तो हम लोग ने कितने उदाहरण पढ़ लिए विलायक और विलय के, एक तो सोडा जल हो गया, कोक हो गया, आयोडीन और अल्कोहल का मिश्रण जिसे हम लोग टिंचर आयोडीन कहते हैं, नींबू पानी हो गया, तो ये सब के सब किसके उदाहरण हैं, विलयन समांगी, ये विलयन के उदाहरण हैं। ठीक है, और इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि इन सभी विलयन में कौन सी चीज़ें आपकी विलायक होंगी, कौन सी चीज़ें विलय होंगी। ठीक है, ये सभी हम लोग किसके बारे में पढ़ा, अभी विलयन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी विलयन वाला ही टॉपिक चल रहा है कि विलयन के अंदर दो भाग होते हैं, विलायक और विलय। फिर हमने पढ़ा कि समांगी में विलयन के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो ये सब आपके विलयन के उदाहरण हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम लोगों ने विलयन की परिभाषा पढ़ ली, विलयन के दो घटक के बारे में पढ़ लिया, विलायक और विलय। फिर हमने पढ़ा कि विलायक, अलग अलग उदाहरणों में विलायक कौन सा होगा, विलय कौन से होंगे। अब पढ़ते हैं कि विलयन, अगर कोई चीज़ विलयन है तो पता कैसे चलता है कि वो विलयन में ही आएगी। ठीक है, हमें पता है कि विलयन एक समांगी मिश्रण है। ठीक है, विलयन क्या है, तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। तो विलयन के गुण क्या क्या होंगे, एक ये पूछते हैं आपको, एक नंबर या दो नंबर में लिखने को अगर पेपर में आएगा तो वो सामने से ऐसा लिखेंगे कि विलयन के गुणों की चर्चा कीजिए या विलयन के गुणों के बारे में लिखिए। तो आपको क्या देखना है, पहला गुण है कि विलयन एक समांगी मिश्रण है, जैसे कि हमने डेफिनेशन पढ़ा है। समांगी मतलब होता है कि समान रूप से जब दो चीज़ों को आपस में मिला देते हैं तो उनसे प्राप्त होने वाले नए मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण। तो विलयन क्या है, विलयन एक समांगी मिश्रण है। दूसरा,
विलयन में जो कण होते हैं, यानी मान लो दो चीज़ें, एक गिलास में मैंने पानी ले लिया, ठीक है, और उसमें मान लो मैंने चौक जो होता है जिसे हम लोग लिखते हैं उसको छोटे छोटे पाउडर की तरह मैंने उसको पाउडर के स्वरूप में कर दिया और फिर मैंने पानी में डाल दिया और फिर मैंने चम्मच मिलाया, तो आप ध्यान से देखोगे कि जो चौक होते हैं वो पूरी तरह से नहीं मिलेंगे, कुछ ही भाग होता है जो नीचे जाके उसके जो तल होते हैं, जैसे कि इस गिलास में देखिए, एक गिलास से मैंने पानी भर दिया, इसमें मान लो मैंने क्या किया, मैंने इसमें जो आपके चौक होते हैं उसको उसका मैंने पाउडर का स्वरूप लेके इसमें मैंने मिला दिया, तो अब क्या होगा, अगर ये समांगी मिश्रण नहीं, अब ये समांगी मिश्रण नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर आप चौक को अगर पाउडर बना के मिलाओ डाल दिया आपने, और अगर आपने मिलाया तो आप देखोगे ना कि चौक के जो कण होते हैं वो आपको ऊपर तैरते दिख जाएंगे, तो वो समांगी मिश्रण नहीं है, जबकि समांगी मिश्रण की परिभाषा बोलती है कि जब दो चीज़ें आपस में बिल्कुल इस तरह से मिल जाएं, पता ही ना चले कि जब विलायक को जो कम जो कि जिसकी मात्रा कम होती है अगर वो विलायक में जाते ही बिल्कुल ही अच्छी तरह से मिल जाए, जैसे कि शक्कर को पानी में डाल दूँ, नमक को पानी में डाल दूँ, अच्छे से मिला दूँ, तो आप देखो कि शक्कर या नमक गायब जा रहा है, तो गायब मतलब क्या है कि बिल्कुल अच्छे से जाके उसके अंदर मिल जा रहा है, जबकि जो समांगी मिश्रण नहीं होते वो क्या होंगे, पानी में नहीं मिलेंगे और ऊपर तैरते रखेंगे, ठीक है, तो उनके कणों का, तो पहले विलयन एक समांगी मिश्रण है, ये पहला गुण, दूसरा उनके कणों का व्यास क्या होता है, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ सकता है कि विलयन के कणों का व्यास कितना होगा, तो 1 नैनोमीटर, और इसको मीटर में कितने लिखते हैं, तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10^-9 मीटर, ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा आप लोग, 10th में भी कई बार आ चुका है कि 1 नैनोमीटर बराबर कितने मीटर, तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10^-9 मीटर। तीसरा होता है कि इन्हें आंखों से देखा नहीं जा सकता, सीधी सी बात है, अगर नमक को आपने डाल दिया पानी में मिला दिया तो कुछ देर बाद है कि आपको नमक दिखता है क्या, नहीं दिखता है ना, क्यों, क्योंकि वो समांगी मिश्रण के अंदर रहता है, और विलयन की परिभाषा ही बोलती है दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही हम लोग क्या कहते हैं, विलयन, तो पहला विलयन समांगी मिश्रण है, दूसरा इसके कणों का व्यास 1 नैनोमीटर या फिर 10^-9 मीटर, तीसरा इन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते या उन्हें आंखों से देखा नहीं जा सकता, क्योंकि आप खुद देखो 10^-9 मीटर कितना छोटा है, बिल्कुल छोटा सा होगा, ठीक है, माइक्रोस्कोप से भी देखोगे तो बहुत बड़ी मुश्किल से दिखाई देगा, ठीक है, तो पहला विलयन एक समांगी मिश्रण है, कणों का व्यास 1 नैनोमीटर होता है, इन्हें आंखों से देखा नहीं जा सकता, चौथा है कि यह प्रकाश की किरणों को फैलाते नहीं है, सीधी सी बात है, हमने जब आप आगे 9th क्लास में आओगे तो एक चैप्टर है प्रकाश के बारे में, तो उसमें हमें पढ़ना है कि भाई आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है, समुद्र नीला क्यों दिख रहा है, हमें दिन के समय जो आसमान है वो नीला क्यों, क्योंकि वहाँ क्या होता है, वायुमंडल क्या है, बहुत सारी गैसें हैं, बहुत सारे धूल के कण हैं, बहुत सारी चीज़ें वाष्प हैं, जल वाष्प हैं, धूल उड़ रही, तो सब क्या है, अब धूल में भी कुछ कण बहुत छोटे होंगे, कुछ कण बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होंगे, तो क्या होता है जब प्रकाश हमारा सूर्य का प्रकाश जब अंतरिक्ष से जब पृथ्वी में प्रवेश करता है तो क्या होता है, इन कणों से क्या होता है टकराट, ये कण इतने बड़े बड़े होते हैं कि प्रकाशीय किरणों क्या करते हैं फैला देते हैं, और हमें पता है कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं जिसमें बैंगनी रंग जो होता है जिसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, तो उसकी सीधी सी बात है जिसके अंदर ताकत कम होगी तो उसको अगर मैं हल्का सा भी अगर मान लो भटका दूं या डरा दूं तो क्या होगा भटक जाएगा, सेम ही होता है कि प्रकाश के 7 रंगों में सूर्य के बैंगनी जिसकी तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है वो आसानी से इन कणों से टकरा के क्या होता है फैल जाता है, जबकि बाकी जो कण रंग होते हैं उनके तरंगदैर्ध्य ज़्यादा हो जाता है, तरंगदैर्ध्य क्या होगा ज़्यादा होगा और वो आसानी से नहीं फैलते हैं, इसलिए हमें आसमान बाकी जो रंग होते हैं वो फैलते नहीं हैं, और जबकि बैंगनी आसानी से फैल जाता है इसलिए हमें आकाश का नहीं रंग का दिखाई देता है, सेम वही कॉन्सेप्ट आपकी इसमें दिखाई देता है कि यह जो विलयन के जो कण होते हैं जो कि अच्छे से मिल जाते हैं ये इतने छोटे होते हैं जिसे हम आंखों से भी नहीं देख सकते और वो प्रकाश की किरणों को फैलाते नहीं, जैसे कि इसमें देखिए ये एक समांगी मिश्रण का मैंने आकृति बनाई, यहाँ पे टॉर्च है मैंने लाइट डाल दिया और ये एक समांगी मिश्रण है, मान लो पानी मैंने शक्कर डाले, अब शक्कर के जो कण जब इसमें मिल जाते हैं तो इतने छोटे हो जाते हैं कि जो मान लो जो प्रकाश यहाँ से आती है तो क्या करेंगे इसको ये इतने छोटे होते हैं कि प्रकाश की किरणों को क्या करते फैलाते नहीं है और प्रकाश सीधे यहाँ से निकल जाता है, तो इससे क्या होगा कि लाइट यहाँ से अंदर जाएगी बिना तो आपको पता नहीं चलेगा कि लाइट ग्लास के अंदर से कहाँ जा रही है, ठीक है, समांगी मिश्रण में ये पता नहीं चलेगा, जबकि विषमांगी मिश्रण में क्या होगा पता चलेगा कि हाँ भाई ये प्रकाश इधर से इधर से ऐसे 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 करके जा रहा है, ठीक है। चौथा है कि फिफ्थ है कि छानने की विधि से अलग नहीं कर सकते, अब सीधी सी बात जो इतना छोटा हो 10^-9 मीटर उसे आप छानने की विधि से अलग कर ही नहीं सकते। पाँचवा है कि अगर इसे आप शांत छोड़ दें तो क्या होगा इसके कण क्या होगा नीचे नहीं बैठते हैं, ठीक है, ये सबसे क्वेश्चन है क्योंकि क्या विलयन में कण जो होते हैं शांत छोड़ने पर नीचे पानी के तल में या फिर जो अपने बर्तन है उसके तल में बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, तो इन्हें शांत छोड़ने पर यह कण नीचे क्या होंगे नहीं बैठेंगे, शांत छोड़ने पर यह कण नीचे नहीं बैठते हैं। चौथ लास्ट है कि विलयन स्थाई है, सबसे आईएमपी है कि क्या विलयन स्थाई है या अस्थाई है, तो विलयन स्थाई है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है कि विलयन की सांद्रता, अब सांद्रता क्या होती है, विलयन तो पढ़ लिया, विलयन की परिभाषा पढ़ ली, विलयन के 2 भाग पढ़ लिए, विलायक विलयन के
गुण भी पढ़ लिए। अब विलयन की सांद्रता जो नया टॉपिक है, इसमें क्या होगा कि विलयन की सांद्रता विलेय की मात्रा पर निर्भर करती है। हमें पता है विलेय विलयन में सबसे कम मात्रा में होता है विलय विलायक के मुकाबले। तो किसी भी विलयन में जो विलेय की मात्रा होती है उसी से पता उसी वो उसी से पता चलता है कि विलयन कितना सांद्र है। यानी विलयन में विलेय की मात्रा पर ही सीधा प्रश्न पूछेगा कि विलेय की सांद्रता किस पर निर्भर करती है। तो विलेय की मात्रा पर ही विलयन की सांद्रता निर्भर करती है। ठीक है, विलयन की सांद्रता किस पर निर्भर करती है, तो विलेय की मात्रा पर। लास्ट पॉइंट है कि यदि विलेय की यदि कोई विलयन है, अगर किसी विलयन में विलेय की मात्रा ज़्यादा हो तो विलयन की सांद्रता क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी, तो सांद्रता बढ़ेगी। यदि किसी विलयन में विलेय की मात्रा ज़्यादा होगी तो विलयन कैसा हो जाएगा, सांद्र हो जाएगा। ठीक है, किसी विलयन में यदि विलेय की मात्रा ज़्यादा है तो सांद्रता भी क्या हो ज़्यादा हो जाएगी, और वो विलयन कैसा कहलाएगा, सांद्र विलयन कहलाएगा। यदि और जबकि इसका उल्टा, यदि किसी विलयन में विलेय की मात्रा कम हो तो सांद्रता भी क्या हो जाएगी, कम हो, यानी तो वो विलयन कैसा कहलाएगा, तनु। यदि विलयन में विलेय ज़्यादा है तो वो विलयन सांद्र विलयन, यदि किसी विलयन में विलेय की मात्रा कम है तो वो कैसा विलयन कहलाएगा, तनु विलयन। ठीक है, तो आज के लिए इतने रहते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है।